सभी आ रहे हैं और आप सभी का स्वागत है। हेलो, हाँ वो चालू हो गया, जरा देख लीजिए। हाँ मेहक, पंखा बंद कर दो। आप सभी का स्वागत है साथियों। राहुल यादव, विकास कुमार, विक्की, मंजरी और जिस तरह से हमारे साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं और एक श्रृंखला बन जाए कुछ साथियों की, उसके बाद व्याख्यान हम शुरू करेंगे। हमारे साथियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हम आप सभी से ये आग्रह करना चाहते हैं कि आपके जहन में जो भी सवाल उठ रहे हो, बेहिचक बेझिझक आप कमेंट बॉक्स बॉक्स में लिखें, ताकि उन मुद्दों पर बातचीत ज्यादा बेहतर तरीके से संपन्न की जा सके। हमारे साथ सौम्या संस्कृति केसरी भी जुड़ गई हैं। आप सभी का इस लाइव कार्यक्रम में स्वागत है, फेसबुक के लाइव कार्यक्रम में। आज हम लोग भाषा के सिलसिले में बातचीत करने जा रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से भाषा को लेकर जो नई तरह की सोच हमारे देश में उभरी है, उसके सिलसिले में हम लोग बातचीत करेंगे। साथ ही लोकतांत्रिक जो विकास यात्रा हमारी अब तक की संपन्न हुई है, उन सब मुद्दों को आज के कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। और यह जो कार्यक्रम है, जिसमें अभी हम लोग एक अनौपचारिक बातचीत कर रहे हैं, फिर हम लोग जब धीरे धीरे लोग यहाँ जुड़ते जाएंगे, उसके बाद हम लोग औपचारिक तरीके से विषय पर अपनी बात ज्यादा बेहतर तरीके से मैं रखने की कोशिश करूंगा। और हमारा यह प्रयास रहेगा कि आप सभी की समझ इस सिलसिले में साफ हो, आपकी जिज्ञासाएं, जो आपके सवाल हैं, वे सभी कमेंट बॉक्स में आप लिखते जाएं और उन सवालों को ध्यान में रखते हुए हम अपने व्याख्यान की बातों को ज्यादा बेहतर तरीके से सामने ले जाने में सफल होंगे। निहित, कुल 33 लोग हमारे साथ अभी आ चुके हैं। और बमुश्किल और हम लोग एक दो मिनट इंतजार करेंगे, जितने 34 लोग हमारी नजरों के सामने दिखाई पड़ रहे हैं और जिनमें से कुछ लोगों ने यहाँ पर आने की जो अपनी उपस्थिति है उसको मैसेज के द्वारा भी दर्ज कराया है। महज 2-3 मिनट की देरी से हम लोग अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत कर देंगे। तब तक कुछ और लोग जो यहाँ हमारे साथ उपस्थित होंगे, आज हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं भाषा के संदर्भ में और हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि भाषाई जो अस्मिताएं हैं वो किस तरह से बनती है, साथ ही अस्मिताओं का राजनीतिकरण किस तरह से होता है, साथ ही भाषाओं के सिलसिले में जो हिंदुस्तान की उपस्थिति है, उसका जो भौगोलिक जो क्षेत्र हमें दिखाई पड़ता है, उसमें किस तरह से भाषाएं उपस्थित हैं और किस तरह से हमारा देश अनेक भाषाओं का समूह है और उन अनेक भाषाओं के साथ हमारी शैक्षिक परंपरा ने क्या किया, हमारे राजनीतिक नेतृत्व ने क्या किया, या उन अस्मिताओं को लेकर हम जिस तरह से देश में तमाम जगहों पर सक्रिय हुए, उन अस्मिताओं के साथ समाज ने क्या किया, शिक्षा नीति ने क्या किया, हमारी जो राजनीतिक विरासतें हैं उन्होंने उसको किस तरह से प्रभावित किया, इन तमाम मुद्दों पर हम लोग आज बातचीत करेंगे। कुल 38 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी बातचीत का जो सिलसिला है उसका फलक व्यापक होगा और धीरे धीरे यह संख्या बढ़ती जा रही है। 40 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हम इंतजार कर रहे हैं कि 50 लोग यदि जुड़ जाएं तब जाकर अपनी बात को शुरुआत करें। और हम आप सभी जो यहाँ पर लगातार धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं, आप सभी से आग्रह है कि आप जो अपने सवालात हैं, आपके जो प्रश्न हैं, आपकी जो जिज्ञासाएं हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हम अपने व्याख्यान को उस सिलसिले में मोड़ सकें या फिर ऐसा हो कि अपने व्याख्यान में उन सारे सवालों को, उन सारी जिज्ञासाओं को, उन सारे प्रश्नों को शामिल कर पाए जो आपके द्वारा यहाँ पर पेश किए जाएं। और आपसे आग्रह है कि आप अपनी बात बेहिचक बेझिझक करें। हमारे साथ ज्ञान सिंह जी भी जुड़ गए हैं।
हमारे साथ आशीष भारती जुड़ गए हैं, आपका स्वागत है। अर्चना पाल जुड़ गई हैं, आपका भी स्वागत है। बिस्वा गुहा, आपका स्वागत है। इस तरह से अनुपमा व्यास, वीना, यशवंत, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रश्मि जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आपका स्वागत है। और शुभम अग्रवाल हमारे साथ हैं, सोमू सिंह जी जो कि इस फेसबुक जो पेज है उसके रचना करता है, सृजन करता है, निर्माण करता है। सोमू सिंह को इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस फेसबुक लाइव के लिए एक रिसोर्स पर्सन के रूप में, एक अकादेमिक व्यक्ति के रूप में मेरा चयन किया है। सोमू सिंह जी को इसके लिए शुक्रिया। आज हम लोग अपनी बातचीत जो करेंगे उसमें हम तमाम तरह के मुद्दों को शामिल करें। साथ हिमांशु त्रिपाठी हैं, ओमकार सिंह जी हैं, आप सभी का स्वागत है। अविनाश कुमार जी हैं और पिंकी, संजना, संजय यादव, सिद्धांत राय, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। संध्या शाही जी हैं, आपको भी हम स्वागत करते हैं, आपका भी। राहुल जी हैं हमारे साथ और सोनिया तिरखा, आपका भी स्वागत है। तो हम अपनी बातचीत व्यवस्थित रूप से शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको यह बता देना चाहते हैं कि आज की बातचीत में हम किन किन मुद्दों को शामिल करेंगे। भाषा के सिलसिले में हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि 2005 में जब राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा तैयार हुई और उसके पहले भी भाषा को एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में देखने का सिलसिला हमारी शिक्षाई नीतियों ने जारी रखा है। 2005 का महत्व तो खास तौर पर है और जो हमारी प्रस्तावित नई शिक्षा नीति है उसमें भी एक संदर्भ जो कि 2005 और नई शिक्षा नीति दोनों में समान रूप से है उपलब्ध, समान रूप से दोनों प्रारूप, दोनों चिंताएं जिस मुद्दे से जुड़ती हैं वो है मुद्दा, हम कहते हैं उसे अंग्रेजी में लैंग्वेज अक्रॉस कैरिकुलम, यानी पाठचर्या के केंद्र में भाषा। प्रायः भाषा को इस रूप में देखने की विरासत रही है कि हम उसे व्याकरण के नजरिए से देखते हैं या फिर उसको साहित्य के नजरिए से देखते हैं, लेकिन हमारी जो पूरी दिनचर्या, हमारी जो पूरी पाठचर्या है, हमारे जीवन के जितने काम हैं, शिक्षा से लेकर के रोजगार तक और रोजगार से लेकर कुशलता तक और कुशलता से लेकर हमारे जज्बातों को प्रकट करने तक, साथ ही प्रतिरोध की जो हमारी ताकत है उसको भी अभिव्यक्त करने के लिए, साथ ही जो प्रतिगामी ताकतें हैं वे भी अपनी बात को स्थापित करने के लिए भाषा के रास्ते ही अपने शक्ल को प्राप्त करती हैं। यानी हमारी जो संपूर्ण क्रियाएं हैं उसमें भाषा एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में, भाषा एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में उपस्थित है। यही कारण है कि हमारी जो 2005 की राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा है और नई शिक्षा नीति है, इन दोनों में भाषा पाठचर्या के केंद्र में किस तरह से उपस्थित है, उन चिंताओं को प्रकट करने का और जो हमारी आसन्न समस्याएं हैं और भविष्य की जो हमारे सपने हैं भविष्य के, उन सब को ध्यान में रखते हुए भाषा को लेकर पर्याप्त संवेदनशीलता अपनाई गई है। तो हम आज बातचीत करेंगे कि भाषा किस तरह से अस्मिता है हमारी, और इसी तरह यह भी बात करेंगे कि भाषा किस तरह से वर्चस्व को रचती है, यह देखने का प्रयास करेंगे कि वह प्रतिरोध के कौन से अवसर मुहैया कराती है। साथ ही यह भी देखने का प्रयास करेंगे कि भाषा किस तरह से राजनीतिक हथियार के रूप में या राजनीतिक टूल्स के रूप में भी उपयोग में लाई जाती है, और किस तरह से अस्मिताओं का सिलसिला जो भारतीय प्रायद्वीप में उपस्थित हुआ उसे संभाला गया, हिंदुस्तान ने किस तरह से संभाला, जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं उन लोगों ने किस तरह से देखा, इन तमाम मुद्दों पर आज हम लोग बातचीत करेंगे। भाषा किस तरह से वर्चस्व की स्थापना करती है, उसी तरह भाषा किस तरह से प्रतिरोध के विभिन्न अवसरों को मुहैया कराती है। साथियों, हमारा देश जब आजाद हुआ उस वक्त भारत में राज्यों की तीन तरह की श्रेणियां थी। पहली श्रेणी में उस तरह के राज्य थे जो आजादी के पहले से राज्य के रूप में स्वीकार कर लिए गए थे, जिनमें हम उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और मद्रास को शामिल कर सकते हैं। दूसरे तरह के राज्यों की श्रेणी इस तरह से थी जिनमें बड़ी रियासतें शामिल थीं, जैसे जम्मू कश्मीर, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन जिसे उस जमाने में पेप्सू कहा जाता था, राजस्थान, सौराष्ट्र, हैदराबाद, मैसूर और त्रावणकोर, ये सभी बड़ी रियासतें हुआ करती थी। हाँ संजय जी, बाद में बात करेंगे, लाइव है। मैं यह बात कर रहा था आपसे कि किस तरह से राज्यों की तीन श्रेणियां थी आजादी के बाद हमारे देश में। तो पहली श्रेणी जो
राज्यों का था, उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और मद्रास जैसे राज्य थे, और दूसरी जो हमारी श्रेणी थी राज्यों की, उसमें जम्मू कश्मीर, पटियाला एंड पंजाब स्टेट यूनियन यानी पेप्सू था, उसमें राजस्थान, सौराष्ट्र, हैदराबाद, मैसूर और त्रावणकोर जैसे राज्य भी लिए जा सकते हैं। तीसरे तरह के राज्य जो छोटी रियासतें हुआ करती थी, जैसे अजमेर, भोपाल, विंध्य प्रदेश और कुर्ग, ये तीन तरह के राज्य हमारे सामने दिखाई पड़ते थे। और इन तीनों तीन तरह के जो राज्य थे, उनके आजादी के पहले के ये राज्य थे। अब हमें यह समझना है कि आजादी के पहले जो एक निर्विवाद रूप से आजादी के आंदोलन की जो जबान थी, वह खड़ी बोली हिंदी थी, खड़ी बोली भाषा थी, जिसमें हिंदी और उर्दू दोनों के मिश्रित शब्द हुआ करते थे, और लोगों की जबान पर उस भाषा का रंग चढ़ा हुआ था, और आमतौर पर इस तरह की भाषा का व्यवहार किया जाता था कश्मीर से कन्याकुमारी तक आजादी की लड़ाई के दरमियान, जिसे उस जमाने में हिंदुस्तानी लोग कहते थे और आज जिसे हिंदी के नाम से पुकारते थे। लेकिन आजादी के पहले जो स्वाधीनता संग्राम के सेनानी थे, उनको यह इस बात का एक सपना था उनके मन में, इस तरह की भविष्य दृष्टि थी कि हिंदुस्तान जब आजाद हो जाएगा तो उनकी भाषाई अस्मिताओं को स्वीकृति मिलेगी। आजादी के पहले जो आंदोलन में शामिल हमारे बड़े नेता थे, उन्होंने यह वादा भी किया था कि जब हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा, उसके बाद भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन किया जाएगा। लेकिन आजाद जब हुआ हिंदुस्तान, तो ये जो वादे किए गए थे नेतृत्व के द्वारा, उस समय के नेतृत्व के द्वारा, उसे कुछ समय के लिए भुला दिया गया, या यूं कह लीजिए कि कुछ समय के लिए उसे पार्श्व में डाल दिया गया। उसका कारण था, उसका कारण यह था कि जैसे ही हिंदुस्तान आजाद हुआ, उस वक्त हमारे देश में, हम सभी जानते हैं, हमारे अनुभव और हमारे इतिहास के पन्ने इस बात के गवाह हैं कि उस समय सांप्रदायिक दंगे जबरदस्त हुए और पूरा देश लहूलुहान हो गया, और हर वक्त चीख पुकार, आगजनी, हिंसा जैसी खबरों के बीच जो हमारे देश के नेतृत्व करने वाले लोग थे, वे देश के सपने को लेकर सशंकित थे। उस वक्त उनके मन में आजाद भारत के जो सपने पल रहे थे, और आसन्न संकट या आसन्न हिंसा को देखते हुए एक बार ये जो आजाद भारत का सपना था, उसको लेकर उनके मन में कई तरह की बातें, कई तरह की दुविधाएं, या कई तरह की आसन्न संकट की जो तस्वीरें हैं, वो उभरने शुरू हो गई। लिहाजा वो किसी भी तरह के उन विषयों पर बातचीत करने से खुद को बचाना चाहते थे जिनके आधार पर किसी तरह के अलगाव या विभाजन या इस तरह की बात सामने दिखाई पड़े, जिसके आधार पर पुनर्गठन की बात दिखाई पड़े। तो जो ये वादे किए गए थे आजादी के पहले कि आजाद हिंदुस्तान जब हो जाएगा, और यानी हिंदुस्तानियों के हाथ में जब हुकूमत आ जाएगी, और हुकूमत आने के बाद भाषाई आधार राज्यों का गठन किया जाएगा, उसे कुछ दिन के लिए टाल दिया गया। लेकिन दिक्कत यह हो गई कि संविधान सभा की जब बहसें चल रही थीं, उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने यह कहा कि राज्य का अभी उद्देश्य यह नहीं है कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जाए, यानी संघ का उद्देश्य अभी यह नहीं है कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। लेकिन अपने उसी भाषण के दरमियान उन्होंने यह बात भी कह दी कि तेलुगु भाषी लोगों के अलग राज्य बनाए जा सकते हैं। यही वह वाक्य था जिसने उन लोगों को प्रोत्साहित किया जो भाषा के आधार पर अपने मंसूबों को जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहते थे। टी प्रकाशम उस समय के एक नेता थे तेलुगु भाषी। टी प्रकाशम ने अपने राज्य में जाकर, यानी उस समय का जो मद्रास राज्य था, वहां जाकर तेलुगु भाषी लोगों के बीच में इस बात की घोषणा कर दी कि संघ ने इस बात को मान लिया है, यानी भारतीय संघ ने इस बात को मान लिया है कि तेलुगु भाषी जो लोग हैं, उनके भाषा भाषी लोगों का, उनका एक अलग राज्य बनेगा। जेहन में इस बात को याद रखना है कि उस वक्त मद्रास स्टेट था, उस वक्त आंध्र प्रदेश नहीं बना था, तमिलनाडु नहीं बना था, केरल नहीं बना था, यानी तेलुगु, तमिल, मलयालम, यहाँ तक कि जो मराठी भाषी लोग थे, वह भी उस मद्रास राज्य के अंतर्गत ही आते थे, और ये आजादी के पहले का जो मद्रास राज्य था उसके अंतर्गत। लेकिन जैसे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में अपने भाषण के दरमियान इस बात कह दिया कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन फिलहाल हमारी प्राथमिकता में नहीं है, लेकिन इतना कहने के साथ उन्होंने यह भी कह दिया थोड़े कुछ वाक्यों के अंतराल के बाद कि लेकिन तेलुगु भाषी लोगों का अलग राज्य बनाया जा सकता है,
यह जो घोषणा है, इस घोषणा के आधार पर टी प्रकाशन, जो मद्रास राज्य मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, उन्होंने तेलुगु भाषी लोगों के बीच जाकर इस बात की घोषणा कर दी कि तेलुगु भाषी लोगों का अलग राज्य बनेगा, और यहीं से वो चिंगारी उठ खड़ी हुई जिसने बहुत सारे भविष्य के घटनाक्रमों को प्रभावित किया। किस तरह से प्रभावित किया इसको हम देखेंगे, लेकिन थोड़ा ठहर कर हम यह देखें कि भारतीय संघ का जो रिश्ता है इन भाषाई अस्मिताओं के साथ क्या कर रहा था। भाषाई अस्मिता यह जो पद है, आप सभी वाकिफ हैं शिक्षा की दुनिया से जुड़े हुए लोग कि अस्मिता का मतलब होता है पहचान, और जैसे ही हम कहते हैं भाषाई अस्मिता यानी भाषा भाषी एक तरह के भाषा भाषी लोगों की अपनी पहचान, तो यह जो तेलुगु भाषाई अस्मिता थी उनको ऐसा लगा कि भारतीय संघ ने जो घोषणा की है नेहरू के माध्यम से उसके तहत उन्हें बिल्कुल अलग राज्य मिल ही जाएगा। लेकिन नेहरू इस बात को फिलहाल टालना चाहते थे, और ये दो तरह की जो बातें उस वक्त संविधान सभा में उभर कर आई उसके चलते भविष्य में आने वाली चीजें प्रभावित होती हैं। कैसे प्रभावित होती हैं इसे जरा हम लोग परखने की कोशिश करें। तेलुगु भाषी लोगों ने जब इस मांग को और भी पुख्ता तरीके से उठाना शुरू कर दिया तो उस वक्त के प्रधानमंत्री नेहरू ने जून 1948 में रिटायर्ड जज थे एस के धर, उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर दिया, और उस समिति को यह जिम्मेदारी दी गई कि वह इस बात की शिनाख्त करे कि जो दक्षिण के चार राज्य हैं आंध्र कर्नाटक केरल और महाराष्ट्र, उनका गठन किया जा सकता है कि नहीं। यानी मद्रास स्टेट में यह जो उस वक्त चार राज्य नहीं थे, यानी मद्रास स्टेट के क्या चार हिस्से किए जा सकते हैं, यानी मराठी भाषी लोगों का महाराष्ट्र, मलयालम भाषी लोगों का केरल और कन्नड़ भाषी लोगों का कर्नाटक, उसी तरह तेलुगु भाषी लोगों का आंध्र, यानी मद्रास स्टेट में ये जो अलग अलग तरह की भाषाएं बोलने वाले लोग हैं, क्या उन भाषा भाषी लोगों का अलग राज्य बनाया जा सकता है। तो न्यायाधीश के धर की अध्यक्षता में जो समिति बनाई गई थी उसको यह काम दिया गया कि मद्रास स्टेट में विभाजन करके अलग भाषा भाषी लोगों का इस तरह से राज्य बनाया जा सकता है अथवा नहीं। इसके धर कमेटी ने महज एक साल के भीतर ही अपनी रिपोर्ट दे दी, और इसके धर कमेटी ने भी वही बात कही जिसकी नेहरू ने घोषणा की थी। इसके धर कमेटी ने कहा कि फिलहाल भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन उचित नहीं है, लेकिन तेलुगु भाषी लोगों का अलग राज्य बनाया जा सकता है। यानी तेलुगु भाषी लोगों के अलग राज्य के मामले में इस नेहरू की तरह ही इसके धर कमेटी भी अपनी बात रख रही थी, लेकिन जैसा कि पहले कहा गया था कि भाषाओं के आधार पर सरकार का रवैया अभी साफ नहीं था। अब उस बात को और भी ज्यादा दिन तक टालने के लिए फिर एक अगली कमेटी बनाई गई जिसे जेबीटी कहते हैं। उसमें तीन लोग शामिल थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और उस वक्त के जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे पट्टा भी सीतारमैया। जेबीपी कमेटी के पास यह जिम्मेदारी थी कि वह इस बात की छानबीन करे, इस बात की खोजबीन करे कि क्या भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है। याद रहे कि इसके धर कमेटी की बैठक हो चुकी है और इसके धर समिति ने इस बात की सिफारिश की है कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन उचित नहीं है, और भाषाई आधार पर राज्यों के गठन उचित न होने के बावजूद इसके धर कमेटी ने इस बात की मुनादी की थी, इस बात को तरजीह दी थी, इस बात की घोषणा की थी कि तेलुगु भाषी लोगों का अलग राज्य बन सकता है। सरकार इस बात को टाल रही थी अभी भी लगातार, और टालने की दिशा में ही एक अगला कदम था कि जेबीपी कमेटी का गठन किया गया। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल जो गृहमंत्री थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन तीनों की उपस्थिति में या 29 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया, और उसकी भी जिम्मेदारी यही थी कि भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के मसले में वह अपनी छानबीन को संपन्न कर सके। उस समिति ने भी यह बात कही कि फिलहाल भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करना संभव नहीं है, और टी प्रकाशन जो कि तेलुगु भाषी लोगों की आवाज को लगातार उठा रहे थे, उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक पत्र लिखा और उस पत्र में कहा टी प्रकाशम को कि आप थोड़ी तल्खी कम कीजिए और हम भाषाई आधार पर राज्यों के गठन करने की दिशा में अभी आगे नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन तेलुगु भाषी लोगों का जल्दी ही राज्य बना दिया जाएगा। और कहा गया
कि अभी फिलहाल जो जिस तरह के आंदोलन उठ रहे हैं तेलुगु भाषी लोगों द्वारा, उसको फिलहाल संभाला जाए। उसके बाद हुआ यह कि अप्रैल 1949 में जो रिपोर्ट आई जेवीपी कमेटी की, उसने कहा कि राज्यों के गठन, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को 10 साल टाल देना चाहिए। लेकिन 10 साल टालने की बात तो की गई, लेकिन देखिए कि यहाँ भी वह विरोधाभास मौजूद था जो संविधान सभा में नेहरू के द्वारा प्रकट किया गया था, या फिर जो टी टी प्रकाश जिस बात के लिए लड़ रहे थे, या फिर जो एस के धर कमेटी ने कही थी, या जो जेवीपी कमेटी अब जो जाकर कह रही थी, उसमें यह बात बार बार यही दोहराई जा रही थी कि भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन फिलहाल उचित नहीं है, इसे कम से कम 10 साल तक टाल देना चाहिए। लेकिन यह बात जरूर कही जा रही थी कि तेलुगु भाषी लोगों के अलग राज्य गठन किए जा सकते हैं। टी प्रकाशम इस बात के लिए लड़ गए और उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और एक नई पार्टी का गठन किया, किसान मजदूर प्रजा पार्टी। टी प्रकाशम इस बात के लिए अड़ गए थे कि जब तक भाषाई आधार पर राज्य के गठन के संदर्भ में अधिसूचना भारत सरकार नहीं जारी करती है, तब तक वे इस बात को नहीं मानेंगे। और अपने इस विवाद के कारण उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया कांग्रेस से, और टी प्रकाशम ने एक नई पार्टी बनाई, किसान मजदूर प्रजा पार्टी। अब आप ही कि दिसंबर 1951 में जब देश का पहला आम चुनाव होने जा रहा था, आजाद भारत का पहला आम चुनाव, दिसंबर 1951 में नेहरू अपनी नीतियों का प्रचार करने के लिए और उस समय की जो तत्कालीन सरकार थी उसके पक्ष में मतदान करने के लिए एक सभा पहुंचते हैं दिसंबर 1951 में गुंटूर में। और गुंटूर में तेलुगु भाषी लोग उनका विरोध करते हैं और उस वक्त एक नारा बहुत मशहूर हुआ था, और वो नारा ओकाडी भाषा, ओकाडी भाषा, ओकाडी राष्ट्र, ओकाडी भाषा, ओकाडी राष्ट्र। और इस तरह से लोग कहते हुए मंच पर चढ़ गए, जहां प्रधानमंत्री उस वक्त के नेहरू भाषण दे रहे थे, माइक के तार काट दिए गए, भारी विरोध का सामना करना पड़ा। गुंटूर में जवाहरलाल नेहरू सभा को संबोधित नहीं कर पाए और बीच सभा में ही उन्हें आना पड़ा। और पहले आम चुनाव का यह जो प्रचार था वो कर्नाटक के, उस समय कर्नाटक नहीं बना था, उसका जो मद्रास राज्य था उस तेलुगु भाषी राज्य वे जाने की हिम्मत नहीं उठा पाए। और देखिए कि 1952 में जब पहले आम चुनाव परिणाम घोषित हुआ तो पूरे देश में कांग्रेस का परचम लहरा रहा था, लेकिन 1952 में 145 में, यानी मद्रास स्टेट के 145 जो साधुओं की सीट थी उसमें केवल 43 सीट मिले, यानी 145 में केवल 43 सीट। यह बात इस बात को समझने में हमारी सहायता करती है कि अस्मिताएं किस तरह से महत्वपूर्ण होती हैं, और अस्मिताओं का यदि हम दरकिनार करते हैं या अस्मिताओं की अनदेखी करते हैं तो किस तरह की दिक्कतें आती हैं। उस जबकि 1952 में पूरे देश में कांग्रेस का परचम लहरा रहा था, लेकिन मद्रास स्टेट के जो 145 सीट हैं उसमें कांग्रेस को 43 सीट मिलती है, और किसान मजदूर पार्टी जो टी प्रकाशम की पार्टी थी वह बहुत आगे निकल जाती है। अब इस बीच इतिहास को एक नए मोड़ की तरफ अपनी गति को ले जाना था, भारतीय राष्ट्र को भी एक नए अंदाज में अपनी यात्रा को ले जाना था। हुआ यह कि 1952 के बाद एक जगह है मद्रास में, उसका नाम है हाई रोड, हाई रोड के मैलापेट्टा, मैलापेट्टा में हाई रोड जगह है, और हाई रोड पर एक जगह है रोयापेट्टा, यानी पेट्टा जो कि हाई रोड पर है, मैलापेट्टा मद्रास में स्थित है। वहां पर श्री पोट्टी रामालू 19 अक्टूबर 1952 को अनशन पर बैठ गए। श्री पोट्टी रामालू 19 अक्टूबर 1952 को इस बात के लिए अनशन पर बैठ गए कि जब तेलुगु भाषी लोगों का अलग राज्य नहीं बनेगा, वे आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। उन्होंने अन्न जल त्याग दिया और वो अनशन पर बैठ गए, उन्होंने अनाज त्याग दिया और अनशन पर बैठ गए 19 अक्टूबर 1952 को। उनकी केवल एक ही मांग थी कि अलग तेलुगु भाषी लोगों का आंध्र राज्य बने और राजधानी मद्रास हो। उस वक्त वहां पर प्रधानमंत्री नेहरू ने उस वहां के मुख्यमंत्री, यानी मद्रास के मुख्यमंत्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को पत्र लिखा और कहा कि यह जो मामला है जिसमें कि
रामालू बैठे हुए हैं अनशन पर, उसके बारे में आप नजर रखिए और इस बात का ध्यान रखिए कि उस आंदोलन में किस किस तरह की बातें उठ रही हैं। सी राजगोपालाचारी ने नेहरू को लिखा कि इस बात को आप नजरअंदाज करिए, और फिर उन्होंने 19 सितंबर 1952 को एक और पत्र लिखा, लेकिन इतिहास को कुछ और ही मंजूर था। पोट्टी रामालू को नेहरू ने अपने अनेक कांग्रेस सांसदों के द्वारा इस संदेश को भिजाया कि वे अपने अनशन को खत्म कर दें और सरकार राज बनाने के लिए तैयार है, और केंद्र सरकार की तरफ से यह प्रस्ताव भेजा गया अलग राज्य मद्रास में, जो अलग तेलुगु भाषी लोग हैं उनका राज्य बन तो जाएगा, लेकिन वे श्री पोट्टी रामालू मद्रास को की मांग पर अपनी जिद छोड़ दें, यानी तेलुगु भाषी लोगों का राज्य तो बने लेकिन जो श्री पोट्टी रामालू चाहते थे कि तेलुगु भाषी लोगों का राज्य केवल नहीं बने, उस राज्य की राजधानी मद्रास रहे। इस बात पर संघ और पोट्टी रामालू के बीच मतभेद था, और संघ का यह कहना था कि वे यदि इस बात को छोड़ दें, यानी मद्रास की मांग को छोड़ दें, तो अविलंब तेलुगु भाषी लोगों का राज्य गठित होगा। और लेकिन श्री पोट्टी रामालू बात पर अड़े रहे, उनकी जिद थी, उनका उनका संकल्प था कि तेलुगु भाषी लोगों का केवल राज्य नहीं बने बल्कि उस तेलुगु भाषी राज्य की राजधानी मद्रास बने। इतिहास की धारा ने कुछ और अपनी गति को मोड़ा, और 55 दिन बाद 15 दिसंबर 1952 को श्री पोट्टी रामालू की मौत हो गई, यानी उनका निधन हो गया। उनके निधन ने उस पूरे इलाके आंदोलन को एक नई हार दे दी, लोग गुस्से में आ गए, लोगों के जज्बात उनके कार्यकलापों में बहुत तेजी से आवेग धर्मी रूप में उभरने लगे, बसें जलाई जाने लगी, स्टेशन जलाए जाने लगे, और हर ओर अफरा तफरी का माहौल था। उस अफरा तफरी का माहौल इस तरह से था कि आप अंदाज लगा सकते हैं कि 3 दिन जो थे उसमें मद्रास में 7 मौतें हो गईं, भाषा के आधार पर 7 लोग मारे गए। 19 दिसंबर 1952 को एक घोषणा की प्रधानमंत्री नेहरू ने, और कहा कि सरकार की तरफ से इस बात की सूचना जारी की गई कि आंध्र राज्य की घोषणा की जाती है, और साथ ही यह बात भी की गई कि भाषाओं के आधार पर जो देश के विभिन्न भागों में जो मांग उग्र होने शुरू हो गए, उसको समन करने के लिए, उस दिशा में प्रयास करने के लिए पहले राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। उस दौर में 22 दिसंबर 1952 को राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। सरकार ने पहली मर्तबा 1952 22 दिसंबर को राज्य पुनर्गठन आयोग की घोषणा की, और कहा कि राज्य पुनर्गठन आयोग 2 साल में अपनी रिपोर्ट देगा और इस बात की करेगा कि भाषाओं के आधार पर राज्य का गठन किस तरह से किया जा सकता है। और अब आप देखिए कि जो तेलुगु भाषी, तमिल भाषी, मलयालम भाषी, इस तरह की अस्मिताओं को लेकर जो आवाजें हैं वो तो उठी रही थी, बॉम्बे पर एक झगड़ा आकर फंस गया। जो मराठी भाषी लोग हैं उनके अलग राज्य बनाने का जब निर्णय किया जा रहा था, उस समय मुंबई को किस राज्य में रखा जाए, मुंबई को किस राज्य, आज की तारीख में हम मुंबई कहते, इस वक्त बॉम्बे कहते थे, जो मद्रास एक हिस्सा था, उसका क्या किया जाए। उस बॉम्बे पर 3 तरह के लोग दावे पेश कर रहे थे। मराठी लोग चाह रहे थे कि संयुक्त महाराष्ट्र बनाया जाए और उसकी राजधानी बम्बई रखी जाए। गुजरातियों का दावा था कि गुजराती भाषी जो राज्य है उसकी राजधानी बंबई रखी जाए। तीसरी एक समिति भी थी नागरिकों के बीच से, तीसरा संगठन भी था जिसको कि हम बॉम्बे सिटीजन कमिटी कहते हैं, जिसके की अध्यक्ष JRD टाटा थे। तो आप देखिए कि 3 तरह के लोग बंबई पर दावा कर रहे थे। आप उस समय की स्थिति को याद करिए कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ है, राज्य पुनर्गठन आयोग को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह सर्वेक्षण करे, लोगों से मिले, बातचीत करे, और भाषाओं के आधार पर राज्य गठन की के मसविदे को पुख्ता तरीके से तैयार करे। और जिस तरह से मद्रास को लेकर लड़ाई थी, उसी तरह से, यानी मद्रास स्टेट, मद्रास जगह को लेकर लड़ाई थी, उसी तरह से मद्रास स्टेट में बॉम्बे को लेकर झगड़ा हो गए, और बॉम्बे किस राज्य का हिस्सा बनेगा, यानी जो भविष्य में राज्य बना रहा है, बॉम्बे किस राज्य का हिस्सा बनेगा,
तीन तरह की आवाजें हमको दिखाई पड़ने लगी। मराठी जो लोग थे वो कह रहे थे संयुक्त महाराष्ट्र बनाया जाए और उसकी राजधानी बंबई रखी जाए। जो गुजराती थे वो कह रहे थे गुजराती लोगों की राजधानी हो बंबई। तीसरा समूह भी था बॉम्बे सिटीजन कमेटी, जिसकी नुमाइंदगी, जिसका नेतृत्व JRD टाटा कर रहे थे। या दरअसल बंबई के जो लोग थे उनका एक समूह था, और तीनों के अपने अपने दावे थे और तीनों अपने अपने दावों में बंबई पर अपनी मिल्कियत हासिल करना चाहते थे। बॉम्बे सिटीजन ग्रुप का यह कहना था कि चूंकि जो बंबई है उसका मेट्रोपॉलिटन स्वरूप है, वहां पर बहुत सारे उद्योग हैं, व्यवसाय माया नगरी है, यानी फिल्म उद्योग है, तो लिहाजा बंबई का एक चरित्र है अपना, और इस बंबई के चरित्र को बरकरार रखा जाए। और इसके चरित्र को बरकरार रखते हुए बॉम्बे सिटीजन कमेटी का दावा था कि ना उसको संयुक्त महाराष्ट्र का हिस्सा बनाया जाए, ना गुजरात का हिस्सा बनाया जाए, बल्कि बंबई का जो अपना एक मेट्रोपॉलिटन स्वरूप है उसको बचा कर रखा जाए। और दूसरी तरफ जो मराठी भाषी लोग थे उनका तर्क था कि यहाँ पर रहने वाले लोग, चूंकि 45% मराठी लोग हैं, इसलिए मराठी लोगों का ही राज्य रहे, और उसका नेतृत्व करे संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन का के जो अध्यक्ष थे शंकर राव देव थे। और शंकर राव देव और गाडगिल जो थे उस समय जो संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन था उसका नेतृत्व कर रहे थे। और फिर प्रधानमंत्री पहल पर बॉम्बे सिटीजन ग्रुप और संयुक्त महाराष्ट्र के जो आंदोलन धर्मी हैं वे लोग आपस में बैठक करने के लिए तैयार हो गए। इस नतीजे पर तैयार हो गए कि बंबई का क्या किया जाए, लेकिन जो बातचीत थी वो बहुत बेनतीजा हुई। उस वक्त नेहरू की हालत क्या थी, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बंबई के जो मंसूबे उस वक्त आंदोलन धर्मी रूप प्रकट हो रहे थे, विजय लक्ष्मी पंडित को नेहरू ने पत्र लिखा और बंबई की स्थिति पर उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की। उन्होंने अपने दोस्त माउंटबेटन को भी पत्र लिखा और माउंटबेटन को लिखे में भी उन्होंने बंबई चिंता जाहिर की। तो आप देख सकते हैं कि भाषाई अस्मिता का जो मसला है वह किस तरह से इतना ज्यादा संवेदनशील मसला है, जो कि हर वक्त इस तरह की स्थितियां बार बार उभर हुई दिखाई पड़ी। अक्टूबर 1905 पुनर्गठन आयोग ने अपनी की और कहा कि 16 राज्य के पुनर्गठन की इजाजत दी जाती है। 16 राज्यों के पुनर्गठन का दृश्य उभरता हुआ नजर आ रहा था उस वक्त। और राज्य पुनर्गठन आयोग ने यह कहा कि बॉम्बे जो था उसको दोनों राज्य को दे दिया जाए, यानी दोनों राज्य यानी गुजरात को भी दे दिया और जो महाराष्ट्र है मराठी भाषी उनको भी दे दिया जाए। फिर एक नए तरीके आंदोलन का जन्म हो गया और मुख्यमंत्री उस वक्त के जो मुरारजी देसाई महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा कि इस तरह की बात है वो किस तरह से सिफारिश में लाई जाएगी। और उनका ये कहना था कि तीन राज्य बना दिए जाएं, यानी महाराष्ट्र, गुजरात और बंबई, तीनों अलग अलग राज्य बना दिए। उस वक्त जो उनकी मान्यता थी मुरारजी देसाई की, बंबई में भाषण दे रहे थे, वहां पर मराठी जो लोग थे उन्होंने देसाई पर, मुरारजी देसाई पर पत्थर से हमला कर दिया। आंदोलन बहुत तेज हो गए, बंबई में 80 लोग मारे गए और हालत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि वहां बंद करना पड़ा सरकार। सारे संस्थानों को ध्यान रहे कि भाषा, ये सारी अस्मिताएं आपस में और भाषा के आधार पर, यानी बंबई महाराष्ट्र का हिस्सा बनाया जाए या गुजरात का हिस्सा बनाया जाए या उसका अलग राज्य का एक चरित्र बचाए रखा जाए, इस मुद्दे पर तीनों पक्ष के लोग भिड़ गए थे। और जो सरकारी आंकड़े हैं उसके मुताबिक 80 लोग उस वक्त मारे गए थे और हालत बहुत खराब थी। मराठी भी बंबई को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, गुजराती भी बंबई को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। और नेहरू ने बंबई में आकर घोषणा की कि एकता और अखंडता की बात की और कहा कि महाराष्ट्र और गुजरात दो राज्य बने, और मुंबई के लिए जो मुंबई को दो राज्य बने, बंबई को किस राज्य में शामिल किया जाए, इस पर आंदोलन चल ही रहा था। इस वक्त एक और घटना हो गई, महाराष्ट्र में ही मुंबई का जो मिल्कियत है या मुंबई महाराष्ट्र में ही शामिल रखी जाए, गुजरात को न दिया जाए, इस बात के लिए उस वक्त के जो
थे, नेहरू सरकार देशमुख, उन्होंने अपने वित्त मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। यानी जो नेहरू कह रहे थे कि दोनों राज्य बराबर से बंबई पर अधिकार रखें, यानी गुजराती भाषी भी और मराठी भाषी भी, इस बात से सहमत होकर उस वक्त के जो वित्त मंत्री थे जो कि मराठी भाषी थे और जिनका नाम सीवी देशमुख था, उन्होंने वित्त मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। और 180 सांसद ने लिख दिया कि बंबई को बहुभाषी राज्य रह दिया जाए, यानी गुजराती, मराठी, हिंदी सभी बोलने वाले लोग वहां पर रहें, और कहा गया कि बंबई का जो चरित्र है उसको बचा कर रखा जाए। लेकिन इतिहास का जो सिलसिला है वो इस तरह से आगे की ओर बढ़ रहा था, और राज्य पुनर्गठन के आयोग की जो रिपोर्ट है उसके, जो कि 14 राज्य बनाने की घोषणा की गई थी और 6 केंद्र शासित राज्य बने थे, और उसी पुनर्गठन आयोग इस बात को कहा कि जो उत्तर में पंजाब राज्य, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दक्षिण में आंध्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पेप्सू जो था पंजाब, पंजाबी भाषी लोगों का अलग रहा पंजाब, और उसी में हिंदी भाषी लोगों का हिमाचल प्रदेश राज्य बना, और 4 साल बाद बंबई स्टेट का भी बंटवारा हो गया, और गुजरात राज्य की जो मांग थी उसे उस वक्त नहीं माना गया। जो कहा गया था कि महाराष्ट्र और गुजराती दोनों राज्यों की राजधानी रहेगी बंबई, लेकिन बंबई को लेकर जो आंदोलन हुए और राजनीतिक उठापटक हुई और सारे जो घटनाक्रम हैं, उन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए, उन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए, जो 4 साल बाद, यानी राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के 4 साल बाद बंबई का निर्णय हो पाया, बंबई को महाराष्ट्र को दिया गया और गुजरात नाम के अलग राज्य को माना गया। मिलाकर आप देखें कि भाषाई असा का जो मसला है वो इस कदर आपस में उलझा हुआ था, हिंदुस्तानी लोकतंत्र की विरासत ने किस तरह से इसे संभाला, यह एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है कि हमारे भारतीय लोकतंत्र ने भाषाओं के आधार पर जो अस्मिताएं उठ रही थी उनको किस लोकतांत्रिक नजरिए से संभाला। और आप इस बात देखकर याद कर आज की तारीख में हैरत में पड़ जाएंगे कि तत्कालीन सरकारों ने बड़े बड़े सर्वेक्षण कराए थे, लाखों लोगों का सर्वेक्षण किया गया था, और इस बात की पूरी मसविदा, इस बात का पूरा मसविदा, इसका पूरा प्रारूप तैयार किया गया था कि किस तरह से भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए, और तंत्र की जो विकास यात्रा है उसमें हिंसा, आगजनी और नफरत जैसे माहौल पर ऐसे विजय पाई जाए, और यह तय किया गया भाषाओं के आधार पर विभिन्न राज्य बनाए। हम देखेंगे इस बात को साफ तौर पर प्रूव कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री नेहरू और उस वक्त के जो गृहमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो उनकी आशंका थी कि भाषाओं के आधार पर यदि राज्यों का गठन जाएगा तो हिंसा, आगजनी, नफरत जैसे माहौल बनेंगे और देश विभाजन की तरफ एक बार फिर से बढ़ेगा, नेहरू थे कि यदि भाषाओं के मसले को, संवेदनशील मसले को यदि छेड़ा जाएगा तो वह पेंडोरा बॉक्स बन जाएगा, और जब हम उसे छेड़ेंगे और जब हम उसे देखेंगे तो राष्ट्र एक बार फिर से विभाजन की ओर बढ़ेगा। लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू की जो यह आशंका थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की यह जो आशंका थी, यह निर्मूल साबित हुई, और विभिन्न भाषाई आधार पर जो राज्यों के गठन किए गए उस राज्यों, उन गठनों ने विभिन्न भाषाई जो अस्मिताएं थी उनकी स्वीकृति ने भारतीय संघ की भौगोलिक जो संस्थिति है, या जो भारतीय संघ की जो भौगोलिक उपस्थिति है, उसमें किसी तरह का कोई बनने का कारण नहीं किया, किसी तरह की कोई समस्या नहीं उभरी। हमें यह देखने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारे पड़ोसी देशों ने इस सिलसिले में क्या किया। यह जो भारतीय प्रायद्वीप है उसमें मूल रूप से जो बड़े जो देश हैं, जैसे पाकिस्तान ने भाषा के मसले पर क्या किया, श्रीलंका ने इस मसले पर क्या किया, हम अभी तक यह समझने का प्रयास कर रहे थे कि भारत ने भाषा के मसले पर क्या किया, और विभिन्न भाषाई जो अस्मिताएं थी, अस्मिता यानी भाषा बोलने वालों की अपनी पहचान, विभिन्न भाषा भाषी लोगों की जो अस्मिताएं थी उनको किस खूबसूरत तरीके से संभाला। हम यह भी समझने का प्रयास करें कि जो दूसरे देश थे उन्होंने क्या किया। आप श्रीलंका को ध्यान से देखिए, श्रीलंका में दो भाषा भाषी लोग थे, सिंहला और तमिल बोलने वाले लोग, ये दोनों भाषी लोग भारत से ही गए थे। तमिल बोलने वाले लोग आप जानते हैं भारत के दक्षिणी
हिस्से में रहने वाले लोग वो गए थे श्रीलंका, और सिंहला जो भाषा थी वह बोलती थी, जो मौजूदा उड़ीसा है वहां भाषा का पुराने जमाने कर देते, वह सिंहला भाषा थी। सिंहला भाषा और तमिल भाषी दोनों लोग गए वहां पर श्रीलंका में, और एक दिन हुआ क्या कि श्रीलंका की संसद ने इस बात की शादी कर दी, इस बात की घोषणा कर दी कि जो है वह एक ही भाषा में काम करेगा, यानी सरकारी कामकाज, सरकारी नौकरियां या सरकार की योजनाएं, ये तमाम चीजें, सरकार के कामकाज का तरीका, समाज की, सरकार की जो योजनाएं हैं वह एक ही दिशा में करेगी और एक ही भाषा में काम करेगी, वह होगी सिंहला भाषा। उस समय के तमिल जो सांसद थे उन्होंने इस बात पर श्रीलंका की संसद में आपत्ति दर्ज की, और उन्होंने इस बात को साफ तौर पर कहा कि यदि आप भाषा आधार पर इस तरह की नीति अपनाएंगे, भाषा आधार पर इस नीति पर चलेंगे कि एकमात्र सिंहला ही राजभाषा होगी और तमिल भाषा भाषी लोगों को राजभाषा तमिल भाषी लोगों को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने का यदि काम नहीं करेंगे, केवल सिंहली भाषा को स्वीकार करने का काम करेंगे, तो एक हरे भरे खुशहाल श्रीलंका की जगह आप रक्त रंजित हिंसा से भरे हुए देश के रूप में श्रीलंका को पाएंगे। लेकिन उस वक्त की सरकार, इसे हम अंध राष्ट्रवाद भी कह सकते हैं, अंध राष्ट्रवाद के नतीजे बड़े भयानक होते हैं। श्रीलंका में भी इस अंध राष्ट्रवाद के नतीजे भयानक रूप में हमारे सामने, जब राज्य ने यानी श्रीलंका की सरकार ने, श्रीलंका की संसद ने इस बात पर एकदम, जिसको कह दें कि सीधे तौर पर ये घोषणा, दूसरी जबानों को सुनने का जो विवेक था, जबानों के सपने और संघर्ष और उम्मीदों को सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुई वहां की संसद और वहां की सरकार, और एकमात्र सिंहला राजभाषा घोषित कर दी, तो उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिए, और श्रीलंका का जो युद्ध है, आप यह जानकर आश्चर्य में होंगे कि उस गृह युद्ध की शुरुआत भाषाई अस्मिता की ही लड़ाई है। भाषाई अस्मिता श्रीलंका के भौगोलिक परिवेश में किस तरह से अपस्थिति दर्ज करती है, इसे आप इस तरह से समझिए कि श्रीलंका की संसद जब इस बात की घोषणा करती है कि एकमात्र राजभाषा सिंहला ही होगी, सिंहला ही एकमात्र राजभाषा होगी और तमिल को नहीं स्वीकार किया जाएगा, तो वहां के जो तमिल लोग थे इस बात का विरोध करते हैं, संसद में लोग विरोध करते हैं, सड़कों पर लोग विरोध करते हैं, और जब उनकी बात नहीं सुनी जाती है तो वे गृह युद्ध की तरफ बढ़ते हैं, और जो हरा भरा श्रीलंका था, जो तमिल सांसदों की जो आशंका थी, इसी रूप में तब्दील होता है, और हर श्रीलंका रक्त रंजित श्रीलंका में तब्दील होता है। हम सभी के स्मृतियों में याद है कि किस तरह से वहां के गृह युद्ध ने हमारे देश के एक प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जान ली थी, तो हम इस बात को देख सकें कि इतिहास जो है भारतीय प्रायद्वीप का भाषाओं के सिलसिले में कई तरह से महत्वपूर्ण है, और कई तरह से परस्पर विरोधी और अस्मिताओं की जो लोकतांत्रिक यात्रा है उसको समझने में हमारी सहायता करती है। आइए देश के बारे में हम लोग सोचने का प्रयास करें। पाकिस्तान ने भाषा के मुद्दे पर क्या किया? आप जानें कि जो पाकिस्तान है, वहां के जो चार सूबे हैं, जो चार राज्य हैं, वहां पर किसी की भी भाषा उर्दू नहीं थी, वहां पर तो पंजाबी, सिंधी, इस तरह की भाषा बोली बरती जाती थी। लेकिन जो पाकिस्तान बनाने वाले लोग थे, जो पाकिस्तान का गठन करने वाले लोग थे, उन्होंने अपनी सारी जो लड़ाई थी जिस जबान में की थी उसको एकमात्र भाषा घोषित कर दिया, और कहा कि पाकिस्तान की एकमात्र राजभाषा उर्दू होगी। और उर्दू की जैसे ही घोषणा की गई कि पाकिस्तान की एकमात्र भाषा उर्दू होगी और सरकार के सारे कामकाज उर्दू में ही होंगे और सरकारी नौकरियां उर्दू भाषा भाषी लोगों को ही मिलेगी, तो शुरू हो गया। अब आप पश्चिमी पाकिस्तान का जो भौगोलिक हिस्सा है उसे देखिए, और जो पूर्वी पाकिस्तान है उसकी भौगोलिक स्थिति देखिए, यानी भी पाकिस्तान यानी आज की तारीख में जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं वह हिस्सा था पूर्वी पाकिस्तान। और आप देखिए कि शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में जो अविभाजित पाकिस्तान यानी पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने भाषा के ऊपर आंदोलन शुरू कर दिया, और शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में ढाका विश्वविद्यालय में एक आंदोलन की शुरुआत हुई, और उनका मानना था, उन लोगों का ये कहना था आंदोलन करने वाले को, कि उर्दू भाषा हम पर थोपी जा रही
और जबकि हमारी जो भाषाई अस्मिता है उसका उर्दू से कोई लेना देना नहीं है, हमारी भाषाई अस्मिता बांग्ला है। और वे कह रहे थे कि यदि उर्दू के फतह की घोषणा बांग्ला पर जाएगी, यानी बांग्ला को पराजित करके पर उर्दू का झंडा लहराया जाएगा, तो हम इसे नहीं मानेंगे, हम अपनी भाषाई अस्मिता पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, आप अपनी भाषाई अस्मिता हम पर थोप नहीं सकते हैं। और शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में जो बांग्ला आंदोलन चला, और उस वक्त आप ही होगा कि उस वक्त लोग सड़कों पर उतर गए और बहुत ही प्रखर आंदोलन शुरू हो गया, और आंदोलन की परिणति एक नए देश के जन्म के रूप में हुई, हम बांग्लादेश के रूप में पहचान, जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं। तो आप देखें कि इस तरह से बांग्लादेश का जन्म होता है। श्रीलंका की जो स्थिति होती है, या पाकिस्तान, जो पूर्वी पाकिस्तान है, वह एक नए वजूद में हमारे सामने आता है। ये सारी की सारी लड़ाई भाषा को लेकर ही लड़ी गई थी। तो हम भारतीय लोगों के साथ क्या किया, श्रीलंकाओं के साथ क्या किया, पाकिस्तान ने भाषाओं के साथ क्या किया, ये तमाम वाकयात, ये तमाम ऐतिहासिक यात्रा इस बात को आती है कि किस तरह से भाषा अस्मिता के प्रति संवेदनशीलता यदि न अपनाई जाए तो राज्यों की स्थितियां किस तरह से सकती हैं, बिगड़ भी सकती हैं और बदल भी सकती हैं। हम तो अब तक यह समझते आ रहे थे, जो हम लोग बातचीत कर रहे थे उसमें भाषाओं की अस्मिता की उपस्थिति के राजनैतिक रूप से क्या परिणति हो सकती है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अब हम यह भी देखने का प्रयास करेंगे कि भाषा किस तरह से हमारे देश में, यानी हमारी लोकतांत्रिक यात्रा में अपनी जगह आती हुई, यानी राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा दिए गए निर्णयों के आलोक में विभिन्न भाषाई राज्यों गठन की स्थिति के बाद जो भाषा की जो एक सौहार्दपूर्ण स्थिति है उसको लेकर किस तरह से हमारा भाषाई लोकतंत्र आगे बढ़ता है, हम एक दूसरे मुद्दे पर बातचीत करने जा रहे हैं। इसी अस्मिता से ही जुड़ा हुआ है। इस बीच हमारे बहुत सारे जुड़ गए हैं। चंदन श्रीवास्तव जी ने लिखा है, अच्छी विवेचना। प्रदीप कुमार जी, आशुतोष और नीतीश सिंह जी, सौरभ मिश्रा जी, सभी साथियों को जो इस फेसबुक लाइव में हमारे साथ हैं, आप सभी का है, और जिनका नाम मैं ले पा रहा हूँ, जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, जो हमारे स्क्रीन पर जिनकी आमद हमें दिखाई पड़ रही है, उन सब का थे। योगेश चंद यादव जी हैं, आशीष तो सर आपको बहुत बहुत नमस्कार। अंकित सिंह हमारे विद्यार्थी हैं, और रंजिनी घोष जी भी हैं, और अंजलि सिंह जी भी हैं, ख्याति मोहन सिन्हा, आप सभी का स्वागत है। और हमारे सामने सीमर समरजीत जी हैं, बहुत सारे सवाल भी हमें दिखाई पड़ रहे हैं। हिमानी सक्सेना जी है, आपका सवाल है, और इन साल जो सवाल किए जा रहे हैं उनकी अपने व्याख्यान में हम करने की कोशिश करेंगे, और आपका सवाल उठाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सवाल आ रहे हैं उससे हमारी जो बातचीत है। रुपेश सिंह जी हैं, आपको नमस्कार जी हैं, आपको भी जी हैं, आपको भी नमस्कार। एक सवाल भी हमारे सामने दिखाई पड़ रहा है, असी जी का है कि बहुभाषिकता को जब हम संसाधन मानते हैं तब वर्चस्व और जैसे आयाम भाषा के साथ क्यों जुड़े हैं, इन तमाम बातचीत करेंगे। लेकिन आइए हम यह कर लें इसके पहले कि भारतीय संघ में भाषाओं की स्थिति को किस रूप में स्वीकारा गया। अब देखिए, जो 1971 की जनगणना रिपोर्ट है वह इस बात की घोषणा करती है, भारत में 1916 सब हैं जिसमें 87 प्रिंट भाषाएं हैं और 71 भाषा रेडियो का प्रसारण हो रहा था, और प्रशासनिक भाषाएं 13 थी। ये 1971 की जनगणना रिपोर्ट बताती है, 1652 भाषाएं, 87 प्रिंट भाषाएं और 71 रेडियो भाषाएं और 13 प्रशासनिक, यानी भाषा के मामले में ये देखिए कि कैसा सह अस्तित्वपूर्ण एक स्थिति है हमारे देश में। का जो संविधान है वो दो जगह भाषाओं की बात करता है, और आप सभी जानते हैं, एक राजभाषा भाषाओं की बातचीत और दूसरी सूची के रूप में बातचीत। जब राजभाषा के रूप में भारतीय संविधान भाषाओं के संदर्भ की बात करता है तो वह
मानता है कि जो संघ की भारतीय संघ की राज है वो हिंदी और दोनों है। आरंभ में यह तय किया गया था कि अंग्रेजी को अपना के हिंदी को लाया जाएगा, लेकिन भारतीय लोकतंत्र के जो अनुभव थे उन्होंने इस बात की तरफ चलने के लिए एक सह अस्तित्व रवैया अपनाया कि दोनों ही भाषाएं राजभाषाएं रहेंगी, यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों रहेंगी। भाषाओं के आधार पर राज्यों के अनेक तरह के विभाजन किए गए और जिस प्रदेश की जो भाषा थी उसी भाषा में सरकारी कामकाज करने की गई। जैसे गुजरात राज्य की जो भाषा थी गुजराती, उसमें सरकार के कामकाज करने की अनुमति दी गई। विभिन्न भाषाओं को यह कहा गया कि वह अपनी भाषाई भौगोलिकता के आधार पर, भाषाई स्थिति के आधार पर वह अपने प्रदेश की राजभाषा सके। जैसे उत्तर प्रदेश को ही ले लीजिए या बिहार को लीजिए, तो यहाँ दो दो राजभाषाएं हैं, एक हिंदी है और उर्दू है। तो जहां जिस तरह भाषा पंजाब में पंजाबी राजभाषा बनाया गया, तो जहां जम्मू कश्मीर में डोगरी और उर्दू राजभाषा के रूप में, तो जो जिस प्रदेश में जो भाषा बोली जाती थी, भारतीय संघ ने यह अधिकार दिया कि वे प्रदेश अपनी के आधार पर राजभाषा का निर्णय कर सकते हैं और भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी और अंग्रेजी। राज्य जो आपस में बात करेंगे वो तीन भाषित कर सकते हैं। जैसे केरल को यदि बात करना है तो वह तीन भाषाओं में अपने संदेश है, तीनों में से किसी भाषा में, वो अंग्रेजी में, मलयालम में और हिंदी में। तो यह एक सहूलियत दी गई और एक सह अस्तित्वपूर्ण यात्रा भारतीय संघ ने प्रस्थान किया भाषाओं के सिलसिले में। भाषाओं के सिलसिले में एक और जगह संविधान बातचीत करता है जिसे हम आठवीं अनुसूची कहते हैं। आठवीं अनुसूची में आरंभ में 16 भाषाएं थी, फिर 18 भाषाएं हुई और अभी हम सभी जानते हैं कि 22 भाषाएं शामिल हैं। दो भाषाई अस्मिताएं इस बात की लड़ाई का संघर्ष कर रही हैं कि उन्हें भी हिस्सा बनाया जाए आठवीं अनुसूची का। भारतीय एक दूरदर्शी नजरिया है भारतीय संविधान ने और आठवीं अनुसूची को खुला छोड़ा हुआ है। खुला छोड़ने का मतलब यह है कि आठवीं अनुसूची भाषा शामिल हो सकती है। दो भाषाएं इसके लिए संघर्ष कर रही हैं, राजस्थान में राजस्थानी भाषा और जो ये जो भोजपुरी इलाका है वहां भोजपुरी भाषा भाषी लोग इस बात की लड़ाई में, इस बात का संघर्ष कर रहे हैं कि उनकी भाषा को भी अनुसूची में शामिल किया जाए। जो आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाएं और भोजपुरी भाषाएं हैं, आंदोलनरत हैं, तो इसी बात के आधार पर, बात को संदर्भ में लेते हुए हम एक दिलचस्प को भी यहाँ पर शामिल कर रहे हैं। हम इस मसले को समझने की कोशिश करें कि आखिर क्यों कोई भाषा इस बार हर्ष करी है कि उसको आठवीं अनुसूची का हिस्सा बनाया जाए। इस बात को बेहतर तरीके से समझने का हम लोग प्रयास करें। देखिए, आठवीं अनुसूची में कोई भाषा शामिल हो, इसका मतलब होता है कि आठवीं अनुसूची में बहुत सारे नए रोजगारों का पैदा होना, यानी भाषा जब आठवीं अनुसूची का हिस्सा बनती है, सरकार के नए तरह के अवसर पैदा होते हैं, अनेक संस्थाओं का निर्माण होता है, अकादमियां बनती हैं, भारत में नए तरह के रोजगार पैदा होते हैं, पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन शुरू होता है, साथ ही रोजगार के नए नए रास्ते दिखाई। तो जो कोई भी भाषा यदि आठवीं अनुसूची शामिल होने के लिए लड़ती है या संघर्ष करती है, उसका सीधा सा मतलब है वह किसी दूसरी भाषा से लड़ाई नहीं हो रही है, उस किसी दूसरी भाषा से वैमनस्य है। यह मसला केवल इतना है कि है उसमें हिस्सेदारी किस रूप में सुनिश्चित। भोजपुरी भाषा को आठवीं अनुसूची का हिस्सा बना लेते हैं या राजस्थानी भाषा को आठवीं अनुसूची का हिस्सा बना लेते हैं, जो आठवीं अनुसूची के लिए ये दोनों भाषाएं लड़ या अच्छी तरह से समझ लेना। जो श्रोता हैं और साथी हैं, हमारे जो मित्र हैं, हमारे जो आदरणीय लोग हैं, यह बात अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि आठवीं अनुसूची में शामिल होने वाली इस बात के लिए यदि लड़ती हैं कि उनकी भाषाओं को आठवीं अनुसूची का है, तो उनका विरोध हिंदी से नहीं है। यानी यदि भोजपुरी आठवीं अनुसूची में शामिल होने की लड़ाई लड़ रही है या राजस्थानी लड़ रही है, तो उनका उद्देश्य हिंदी का विरोध नहीं है, महज यही उद्देश्य है कि उसका को संघ स्वीकार करे। उस भाषाई अस्मिता है तो उसमें तरह के नए रोजगार पैदा
तो यह जो समझ बिल्कुल साफ कर लेनी चाहिए कि भारत में भाषाओं के सहअस्तित्व पूर्ण रवैये बहुत पुरानी रही है और एक संवेदनशील नजरिए का है। और जब हम कहते हैं पाठचर्या के केंद्र में भाषा, तब को भी समझना जरूरी है। अब थोड़ी बात हम लोग बहुभाषिकता को और भी ज्यादा बेहतर तरीके से समझ, भारत दुनिया का जहां 5 भाषा परिवार की भाषाएं बोली बरती जाती हैं, जैसे इलाके हैं शिमला और नैनीताल जैसे, यानी जो हिंदी भाषी इलाके हैं परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं उन्हें भारत की भाषा कहते हैं। दक्षिण भारत में जो भाषाएं बोली वे द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं, उसी भाषाएं बोली बरती जाती हैं, वे तिब्बती चीनी परिवार की भाषाएं हैं, यानी चीन की भाषा की जो माँ है वही परिवार की भाषाओं की जो माँ है वही हमारे राज्यों की भाषाओं की भी माँ है। तो हमें यह बात अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, एक में तिब्बती चीनी परिवार की भाषा, भारूपीय परिवार की भाषा, दक्षिण में द्रविड़ की भाषाएं, उसी तरह से जो अंडमान द्वीप समूह है वहां अंडमानी भाषा परिवार की भाषा, साथ ही जब हम जो घने जंगलों का इलाका है जिसमें कई राज्य शामिल हैं, जिसे रामायण में दंडकारण्य कहा गया है, पूरा इलाका है, देखेंगे छत्तीसगढ़ का भी इलाका, खंड के भी इलाके शामिल है, उत्तर प्रदेश का भी कोई हिस्सा का मध्य प्रदेश के हिस्से शामिल है, और इस तरह से आंध्र प्रदेश तक जो इस तरह का जो हमारे आदिवासी लोग रहते हैं वहां जो भाषा आश्रित परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तो जहां 5 भाषा परिवार की भाषाएं बोली बरती जाती हैं उस मुल्क में भाषा बड़ा पेचीदा था और बहुत मुश्किल चुनौतियों से भरा हुआ था कि भाषा का तो हमारी शिक्षा नीतियों ने बहुभाषिकता के रूप में स्वीकारने की वकालत की और इस बात की सिफारिश की कि मादरी जबान है यानी जो मातृभाषा है उस जाए और ज्ञान विज्ञान की जो राह है उस राह में उस भाषा को एक रूप में विकसित करने की पूरी कार्य योजना बनाई जाए। यह बहुत यह कई बार हमें यह अप्रिय स्थिति भी दिखाई कि हम देखते हैं कि बहुत की जो भाषाएं हैं उसमें ज्ञान विज्ञान की किताबें नहीं दिखाई पड़ती हैं या बहुत सारी पड़ती हैं, या जो सफलता असफलता के जो पैमाने हैं यह तो है। फिलहाल हम इस बात को तरह से समझ लें कि हमारी जो शिक्षा नीति हमारी जो सरकारें हैं वे इस बात पर हैं कि बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में स्वीकार किया जाए। बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में स्वीकार करने के लिए अटल भी एक बहुत ही अटल बिहारी वाजपेयी जी का है, वह भी इस बात की वकालत करता है भाषा है उसको आरंभिक कक्षाओं में शिक्षा का साधन बनाया जाए। जब हम कहते हैं कि बहुभाषिकता को संसाधन बनाया जाए तब इस मसले को भी हमें चाहिए, इसका मतलब यह है कि जो विद्यालय की भाषा है वह अधिनायक के रूप में उपस्थित न हो। यहीं पर हम भाषा के वर्चस्व और प्रतिरोध के स्वरूप को भी समझ सकते हैं। एक भाषा अधिनायक के रूप में उपस्थित होती है, यह हो जाता है कि जो अध्यापक या अध्यापिका है वह खुद को वाला समझने लगता है। उदाहरण के लिए इस कई बार वह स्कूल में दाखिल होता है और उसे पूछते हैं, उसके अध्यापक पूछते हैं पहली क्लास के कि भाई तुम क्यों लेट हो गए, तो वो बच्चे किए थे बाकी का करें, तरकरिए गिर गया और जो खराब हो गया, हम तो टाइम से चलबे किए थे बाकी नहीं पहुंच पाए। तो अब जो अध्यापक या अध्यापिका हैं उसी समय और कहते हैं कि तुम बहुत अशुद्ध भाषा हो और तुम अशुद्ध भाषा हो। तो यह जो शुद्ध भाषा के रखवाले अध्यापक नजर आता है या अध्यापिका नजर आती है उसकी दिक्कत क्या होती है? उसकी दिक्कत क्या होती है? भाषाई अस्मिता में उस बच्चे का विकास अब तक हुआ था, यानी पहली दूसरी तीसरी के जो बच्चे बच्ची हैं उनको वो भाषा पिछड़ेपन की निशानी लगने लगती है, हीनता ग्रंथि के शिकार होने लगते हैं बच्चे बच्ची और उन्हें लगने लगता है कि वो जिस भाषा का प्रयोग कर वो भाषा पिछड़े हुए। मैं राजस्थान में बहुत लंबे
राजस्थान में जब मैं पढ़ाता था तो वहां भी कक्षाओं में अक्सर स्कूल में, क्यों भाई क्यों क्यों लेट हो गए, तो हमारे टिफिन ढुली गया कि जो मिन था वो गिर गया, और इस बात के कहते ही अध्यापक अध्यापिका आग बबूला हो जाते थे कि तुम अशुद्ध प्रयोग कर रहे हो और तुम शुद्ध हिंदी नहीं बोल सकते हो। हम आपको यह बताना चाहते हैं कि ये मसले से ज्यादा पूर्ण है कि इस बात की से जाए कि जो जिस भाषा में उस बच्चे या बच्ची की संवेदना विकसित, उस भाषा भाषी उस भाषा कार्य किया जाए और उसको एक सीढ़ी के रूप में, एक पुल के रूप में इस्तेमाल किया जाए। इसकी विधि कैसे हो सकती है? इसकी विधि इस तरह से, कल्पना कीजिए कि कोई कक्षा है और उसमें अनेक तरह की भाषाएं बोल, अध्यापक या अध्यापिका एक शब्द ब्लैक बोर्ड पर, श्याम पट्ट पर, और लिखने के बाद वो कहता है कि बताओ ये क्या लिखा हुआ है। तो मान लीजिए हिंदी का कोई शब्द लिखा रहा है और उसको कहे अध्यापक, समझा के पूछे तुम्हारी भाषा में इसको क्या कहते हैं, तुम्हारी भाषा में इसको क्या कहते हैं। एक जो उस आसपास की जो उसके जो शब्द है और हिंदी का जो शब्द है उसमें एक पुल की तरह बनता हुआ नजर आ गया। बिहार सरकार ने कुछ साल पहले इस दिशा में बहुत अच्छा प्रयास किया था। बिहार सरकार ने जो अपने राज्य की अंगिका है, वज्जिका है, मैथिली है, इन भाषाओं में शब्द हैं, हिंदी के जो शब्द इन भाषाओं में हैं उसके प्रतिरूप बनाने की कोशिश, उससे बड़ी सहायता मिली। प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे बच्चियों के अधिगम की दिशा में बड़ी सहायता मिली। यदि हिंदी हिंदी के जो शब्द हैं उस जो प्राथमिक कक्षाओं में व्यवहार तो ज्यादातर शब्द हैं उसका वज्जिका में, अंगिका में, भोजपुरी में, मैथिली में, तो उसका उसका एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने की जरूरत है। और इस बात को अध्यापक या अध्यापिका आपको समझने की जरूरत है कि कोई भी भाषा कई प्रयासों के बाद सीखी जाती है। जो भाषाओं के की संपदा अपने भीतर विकसित किए हैं वह अचानक चमत्कृत कर देने वाली घटना के रूप में हमारी हिस्सा हिस्सा नहीं बनी है भाषा। हमने भी गलतियां की, हम गलतियां करते हैं और एक बार नहीं, कई कई बार गलतियां, बार 10 10 बार, 20 20 बार, सैकड़ों बार गलतियां हो सकती हैं। तो कोई भी भाषा सीखते सीखते जैसे ही मानकीकृत भाषा के रूप में कोई अध्यापक आता है तो उस भाषाई प्रति अनजाने ही वह दुराग्रहपूर्ण रवैया अपना लेता है, जिस दुराग्रहपूर्ण रवैये के कारण हमें खास की अनदेखी, उपेक्षा, कई बार उत्पीड़न के कारकों को रचने में आगे बढ़ते हैं। तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जो कि एक बहुभाषी देश है उसमें विभिन्न तरह की भाषाओं के स्वीकार करके ही रास्ता बन सकता है। रामाशंकर सिंह जी की है, भारत जैसे बड़े देश में अनेक भाषा स्वाभाविक ही, अन्यथा अनेकता में बहुत। अभिलाषा शेखर जी का वेरी इंफॉर्मेटिव सर, अंकिता मिश्रा का बहुत सारी टिप्पणियां आ रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे फेसबुक लाइव में हमारे साथ हैं। तो भाषाओं के आधार पर मैंने कुछ संचय की कि किस तरह से राजनीति ने अस्मिता और राजनीति का जो रिश्ता है वो किस तरह से बना, एक बहुभाषिक देश में की विकास यात्रा के रूप में बहुभाषिकता को किया। अब एक और मसले की तरफ हम लोग बातचीत करने का जो उत्तर है उस पर हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। हम यह भी देखने का प्रयास करें कि एक वर्चस्व की भी रचना पर भाषा किस तरह से प्रतिरोध के अवसर, इसको इस तरह से समझे। आप अपनी सब को मुहावरों को याद करिए, लोकोक्तियों को याद करिए, आप पाएंगे या पाएंगी कि ये जो मुहावरे और लोकोक्ति हैं उसमें कितनी जागरूक होता है। तो समाज में यदि है, समाज में यदि विभाजन है भाषा पर भी नजर आएगा। कोई भी मुहावरा, कोई भी लोकोक्ति जो जाति से संबंधित याद करें आप, तो आप पाएंगे कि जो हमारी मेहनतकश जातियां जो हैं, जैसे कोई लोहे का काम करता है, जो कोई करता है, या जो कोई तेल निकालने का काम, उनसे संबंधित जो मुहावरे और लोकोक्तियां कि उसमें एक मजाक उड़ाने का भाव दिखाई पड़ता है। तो हम देखें कि मुहावरे और लोकोक्तियों के माध्यम से एक की
स्थापित करने के, जिसे हम जातिगत श्रेष्ठता का दंभ, वर्ण अहंकार का दंभ कह सकते हैं, वह मुहावरे लोकोक्तियों में अक्सर हुई नजर आती है। इसीलिए हमारी जो शिक्षा नीतियां हैं या भाषा जो संवेदनशील लोग हैं कि आप जातिगत आधार पर जो रचित मुहावरे और लोकोक्तियां हैं उनका प्रयोग ना करिए, क्योंकि ये जो है वो एक तरह से वर्णवादी दंभ को स्वीकृति दिलाने की दिशा में किए गए रूप में ये सारे मुहावरे जो मुहावरे और लोकोक्तियां हैं उनमें से ज्यादातर इस रूप में हमें नजर आती हैं। उसी तरह से कि जो वर्ग का दृश्य है, जो वर्ग का संदर्भ है, वह भी हमारे भाषा को पड़ा है। हम व्याकरण की तो एक वचन और बहुवचन जो सभी जानते हैं कि संस्कृत में करते थे एक वचन द्विवचन बहुवचन, लेकिन हिंदी में द्विवचन नहीं है, एक वचन और बहुवचन है। तो हम एक अलग तरह की क्रिया का प्रयोग करते हैं और एक वचन के साथ एक अलग तरह की क्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहते हैं लड़का आ रहा है, क्या है रहा है, और आना एक क्रिया है जिसे रहा है आ जा रहा है, लड़का आ रहा है। उसी तरह हम कहते हैं लड़के हैं, यानी एक वचन में हमने आ रहा और बहुवचन में हमने आ कहा। व्याकरण की एक व्यवस्था है कि एक वचन में किस तरह की क्रिया और बहुवचन में किस तरह की क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन व्याकरण मौन है कि कैसे कोई जो आर्थिक रूप से या प्रशासनिक रूप से या अन्य स्तरों से जो श्रेष्ठ होता है उसके बारे में हम एक अलग तरह की क्रिया का प्रयोग करते हैं, और एक व्यक्ति जो कि गरीब है, निर्धन है या किसी अन्य श्रेष्ठता के जो रास्ते हैं वो शामिल नहीं है, यानी जो एक कल्पित श्रेष्ठता है। उदाहरण के लिए समझिए, जैसे हम कहते हैं कुलपति, और हम एक शब्द है कुलपति और एक शब्द है चपरासी। तो जैसे कुल के बारे में हमारे मुंह से साख्ता बिना प्रयास के यह वाक्य निकलता है कुलपति आ रहे हैं, लेकिन चपरासी के बारे में हमारे हम यह वाक्य निकलता है चपरासी आ रहा है। इसी तरह से यह कुलपति यह के बेटे हैं, और दूसरी तरफ चपरासी कहते हैं कि यह कुलपति का बेटा है। चपरासी के बेटे के बारे में हम कहते हैं कि कुलपति आ रहे हैं, लेकिन चपरासी दौड़ा दौड़ा आ रहा है। अब व्याकरण के कोई नियम इस बात को स्पष्ट नहीं कर सकते। हम कुलपति जी के लिए एक अलग का प्रयोग कर रहे हैं, चपरासी के लिए एक अलग तरह की क्रिया है, या कलेक्टर कलेक्टर जो है उसके लिए कलेक्टर आ रहे हैं, और लेकिन हम कह रहे हैं कि द्वारपाल आ रहा है। हमारे पास इस बात का जवाब नहीं है, क्यों नहीं द्वारपाल आ रहे, क्यों नहीं कलेक्टर आ रहा है। वचन के लिए एक तरह की क्रिया है और बहुवचन के लिए अलग तरह की क्रिया है, तो फिर हम ऐसा क्यों करते हैं? आप देखिए कि व्याकरण की मुद्रा न होने के बावजूद हमारे जो व्यवहार की भाषा होती है वो किस तरह से वर्गीय रखती है, और आर्थिक रूप समृद्ध तबका है और आर्थिक रूप से जो एक तबका समृद्ध नहीं है, या पद के हिसाब से जो सिस्टम में जो ऊंचा है उसके लिए एक अलग तरह की क्रिया, या जो हायरार्की है उसके लिए एक अलग तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं। तो हम देखेंगे महसूस कर सकते हैं पर बहुत वर्ग विभाजन दी जाती है। उसी तरह से एक अन्य मसले में हम समझे, समाज में यदि स्त्री पुरुष का विभाजन पुरुष के श्रेष्ठ मानने की एक परंपरा रही, श्रेष्ठ मानने की यह जो परंपरा है इसके स्थापना के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया कि भाषा एक थी और प्रतिरोध एक भाषा है वह दिखाई पड़ती है। आप वर्गों को आप देख सकते हैं, उदाहरण के लिए जैसे एक शब्द है श्रम शक्ति। सभी जानते हैं कि हमारे समाज की सुंदरता को बनाने में विभिन्न तरह के लोगों ने श्रम किया है, उसमें महिलाएं भी शामिल हैं, लेकिन अंग्रेजी इसके लिए क्या शब्द है? अंग्रेजी में शब्द है इसके पावर, वुमेनु पावर नहीं है। तो अब आप देखिए श्रम शक्ति के लिए मैन पावर है, तो मैन पावर शब्द इस बात की बिना कहे ही घोषणा करता है कि स्त्रियों के श्रम की कोई परंपरा नहीं है, जबकि स्त्रियों के श्रम किताबें जो लिखी तो शब्दों को देखिए तो उसके लिए अंग्रेजी में शब्द है मैन्युस्क्रिप्ट, लेकिन महिलाएं भी तो किताबें लिखती हैं, वो मैन्युस्क्रिप्ट जैसा कोई शब्द नहीं है।
तो इस तरह के बहुत, उसी तरह से आप देखिए कि हिंदी में भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे जैसे कुलपति, तो कोई पुरुष हो या पति शब्द का ही व्यवहार करते हैं, लेकिन कोई कुलपति स्त्री बनती है तब उसके लिए हमारे पास सिलसिला है या जो भाषाई संपदा है, जो भाषाई यात्रा है, उसमें अलग तरह के शब्द नहीं दिखाई पड़ते। बहुत सारे शब्द, जैसे विद्यार्थी शब्द को ही ले लीजिए, महादेवी वर्मा ने आने की कोशिश की और उन्होंने कोशिश किया कि जो विद्यार्थिनी शब्द का भी प्रयोग, लेकिन इस तरह का प्रयोग माने नहीं हो पाया। से छात्र शब्द का प्रयोग हमारे जो उद्बोधन होते हैं, हम कक्षाओं में जो जाते हैं, अध्यापक अध्यापिका, बहुत सारी लड़कियां भी दिखाई पड़ती हैं, लेकिन हमारे सारे संबोधन पुरुषों को ही संबोधित होते हैं। हम कहते हैं कि छात्रों, हम लोग पढ़ रहे थे, और बहुत कहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई सवाल उठा और कहे कि हम भी शामिल है सर, तो हमारे हमें क्यों नहीं संबोधित किया गया, तो हम बहुत मासूमियत भरा जवाब देते हैं कि अरे छात्र में तो छात्राएं शामिल है। अब ये कितना तर्कपूर्ण ढंग से सही है को समझने के एक उदाहरण देखिए, दिल्ली सरकार का क्या कुछ साल पहले कि एक किताब छापी गई और उसमें सारे संबोधन किए गए, जैसे तुम देखी होगी, तुम समझी होगी, तुम इस अध्याय में पढ़ोगी या पिछले अध्याय में की हो। आमतौर पर किताबों में यही होता है कि तुमने देखा होगा या तुम देखोगे या तुम आगे पढ़ोगे, उस किताब में किया कि तुम देखोगी तुम पढ़ोगी, सारी जो सारे जो संबोधन है स्त्रीलिंग कर दिए गए। आप यकीन, आप जानकर अचरज में, कि 7वीं कक्षा के जो लड़के हैं वो इस बात पर गुस्साने लगे और वो नाराजगी जाहिर करने लगे और कहने लगे लड़कियों की नहीं पढ़ेंगे। तो यह जो पुरुष श्रेष्ठता का भाव है उसकी नींव बचपन में ही डाली जाती है भाषा के माध्यम से। तो यदि समाज में है और स्त्री शोषण के सारे रास्ते तय किए गए हैं सभ्यता की विकास यात्रा में, तो उस मौजूदगी वह भाषा के रूप में नजर आती है। इस सिलसिले में पाउलो फ्रेरे हमारी सहायता करते हैं, इस सिलसिले में अमर सेन हमारी सहायता करते हैं। तो अमर सेन ने भाषा के इस प्रयोग लिखा है, और पाउलो फ्रेरे कहते हैं कि जब वो किताब लिखे थे उत्पीड़ितों का शिक्षा शास्त्र, और उस किताब के बाद उन्होंने एक और किताब लिखी थी उम्मीदों का शिक्षा शास्त्र, शास्त्र में कि क्यों ये लिखी है किताब, और पीड़ितों का शिक्षा शास्त्र जो किताब उन्होंने लिखी थी, तो उसमें बहुत सारे जो ऐसे स्थल थे जो बाद में मुझे लगे इन पर ज्यादा गहराई से विचार करने की जरूरत है। तो उसमें एक मसला यह भी था कि उन्हें बहुत सारी महिला मित्रों ने यह पत्र लिखा, अब आपने बहुत अच्छी लिखी है, लेकिन हम लोगों को यह जानने का कि उसमें हमें संबोधित नहीं किया गया, संबोधन ये पश्चिम है और पश्चिम में जो जेंडर का जो मसला है उसके आंदोलन बहुत पूरा अंगड़ाई लेने लगती। तो अब वहां पर मेरे कहते हैं कि पहले तो मुझे लगा कि जब हम पुरुषों को संबोधित उसमें शामिल हैं, लेकिन मैंने गहराई से सोचने की कोशिश की और मैंने की कोशिश की कि यदि वो किसी सभा में बैठे हों जिसमें केवल महिलाएं हों और उसमें अकेले पुरुष, और जो उद्घोषिका है वो कहे कि यहाँ जो बहनें बैठी हैं, यहाँ जो सहेलियां बैठी हैं, रहेंगे क्या उस संबोधन में खुद उपस्थित पाएंगे। पाउलो फ्रेरे लिखते हैं कि मुझे यह बात समझ में आ गई कि मैं गलत था, और फिर बाद में अपने लेखन में बदलाव किया, और उन्होंने स्त्रियों के संबोधन भी अपनी अपनी किताब में शामिल करने शुरू कर दिए। तो हम देखें भाषाओं का जो मसला है, आप समझते हैं कि किसी का स्त्री होना किसी का पुरुष होना यह प्राकृतिक है, लेकिन होने के कारण श्रेष्ठ हो जाना और किसी का स्त्री होने के कारण कमतर हो जाना को मानने की जो कोशिश करना, इन सभी संदर्भों का अध्ययन जिस कहते हैं उसे हम जेंडर कहते हैं। जेंडर का जो मसला है वह वर्चस्व और प्रतिरोध को समझने में हमारी सहायता करता है। उसी तरह जातिगत जो मुहावरे और हैं उनसे भी हमें सहायता मिलती है। उसी तरह शब्द जो हैं, आप देखिए कि एक स्थान में शब्द है अणछाई बाई, अणछाई बाई, इसका यदि हिंदी बनाए तो मतलब वह अनचाही बाई, मतलब जिसको चाहते नहीं थे वो पैदा हो गई। लेकिन आप देखिए कि इसी तरह का कोई पुन नहीं दिखाई पड़ता है,
बिहार में एक नाम चलता है मनचूरनी, यानी मन को चूर चूर करने वाली। लेकिन अब आप देखिए कि इसका, मान लीजिए हम पुरुष में, पुरुष नामों में ऐसा ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो कुछ लोग तर्क दे सकते हैं कि देखिए शब्द भी रखा जाता है, लेकिन घूरे और मनचूरनी, मनचूरनी का तो सीधा ये है कि उसने मन को चूर कर दिया, वो पैदा हुई और हमारा मन चूर हो गया। लेकिन जब हम किसी का घूरे राम नाम, इसके पीछे यह लोक विश्वास काम करता है कि मान लीजिए कि किसी दंपति का कोई, और बार बार वो उसका देहावसान हो जाता है, तो उसको बचाने के लिए वो इस तरह के विश्वासों का, लोक विश्वासों का प्रयोग करता है कि इसका कोई ऐसा नाम रख दिया जाए, कोई इस तरह का नाम, तो जिससे कि ये बच जाए। तो वहां मंगल भाव सक्रिय है। यदि किसी का नाम घूरे राम रख रहे हैं तो उसमें उसके लिए मंगल कामना भाव सक्रिय है। लेकिन यदि हम किसी को कह रहे हैं कि मन चूरनी है, तो उसमें एक जिसके बारे में हम चाह रहे थे कि वो ना आए, मन चूर कर दिया, तो ये हताशा, निराशा का या दुख का या अवसाद, इसकी घोषणा करता है। तो इस तरह से हम देखें कि भाषाओं के सिलसिले में बहुत सारे हैं जिन पर विचार करने की जरूरत है कि भाषाओं के हमारे शिक्षा नीति बहुत गहराई से विचार किया, और 2005 की जो शिक्षा नीति है और हमारी जो नई शिक्षा नीति है, बात की वकालत करती है कि भाषा के इन सभी संदर्भों को ज्यादा बेहतर तरीके, व्यापक तरीके से समझने की जरूरत है। और सच यह है कि इन सब चीजों की समझ जब हम साफ करते हैं, तो हमारी जो लोकतांत्रिक समझ है उसमें इजाफा होता है, और हमारी जो लोक उसको पूरा करने में भी हमें सहायता मिलती है। जो शिक्षा 1986 की शिक्षा नीति यह बात कहती है कि शिक्षा के लक्ष्य संविधान के लक्ष्य हैं। संविधान का लक्ष्य एक लोकतांत्रिक राष्ट्र की ओर अपनी यात्रा को मुकम्मल, वही शिक्षा का भी लक्ष्य है कि हमारी जरा है उसमें शिक्षा को एक महत्वपूर्ण घटक किया जाए। तो जब हम तो सभी रूपों पर विचार करने की जरूरत पड़ेगी, यानी भाषा के संदर्भ में अस्मिता का मतलब क्या है, की राजनीति भाषा के संदर्भ में किस तरह से काम, भारत का जो बहुभाषिक परिदृश्य है वह किस तरह से काम करता है, इस शिक्षा शास्त्र रूप में किस तरह से काम करता है, या फिर ये भाषा के माध्यम से कैसे वर्चस्व को रहा है, या प्रतिरोध के अवसर कैसे भाषा हासिल किए जा सकते हैं। तो आप सभी के साथ ये सभी बातें करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे आप लोगों ने भी इस व्याख्यान के माध्यम से, हमसे संवाद के रास्ते से, एक समझ का सिलसिला हो सकता है उसमें हम लोगों ने सामूहिक रूप से विचार किया है, और आप सभी हमारे साथ जुड़े, बहुत अच्छा लगा। एक 13 मिनट पहले मैसेज आया है, घंटा 19 मिनट तक हम लोग बातचीत कर चुके हैं। कोई सवाल हो तो आप बेशक कहें, मैं रहा हूँ कमेंट बॉक्स, और यदि एक सवाल आया, भाषा अगर श्रेष्ठता को कैसे कम या अधिक किया जा सकता है। देखिए, हर भाषाएं भारतीय लोकतंत्र में जितनी भी बोली जाती हैं, सबकी, सबके पास बोली स्मृतियां हैं। पहली तो यह बात समझने की कोशिश कीजिए कि हर भाषा की अपनी एक विरासत है, उसकी सांस्कृतिक को हम लोग बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। कोई भी भाषा किसी भाषा से कमतर नहीं है, इसलिए यह बात कभी मन से निकाल देनी चाहिए कि कोई भाषा किसी दूसरी भाषा से श्रेष्ठ है। सभी भाषाएं श्रेष्ठ हैं, और सभी भाषा का एक अलग मसला है। हम जितनी भाषाएं सीखते हैं, समझते हैं, उतनी सांस्कृतिक, जैसे जैसे इसको इस तरह से समझिए, जो पेशेगत भाषा है तो हर भाषा होती है, तो जब जैसे हम होते हैं तो ज्ञान की एक नई दुनिया जाती है। जैसे हम किसी वैज्ञानिक से बात करते हैं, किसी किसान से बात, किसी लोहे के काम करने वाले साथी से बात करते हैं, और इन सभी बातचीत से हम एक नई तरह की ज्ञान की दुनिया के रूप में, यानी कोई बंगला भाषी है या
कोई दूसरे तरह की भाषा का प्रयोग करता है, वह भाषा या फिर पेशेगत भाषा है, ये आप में श्रेष्ठ होती हैं और उन भाषाओं के माध्यम से हम अपनी उपलब्धि हासिल करते हैं। आप हमारे फेसबुक लाइव से जुड़े, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी उपस्थिति हमारे उत्साह सिर झुकाकर आपका अभिवादन करते हैं। धन्यवाद, हम लोग फिर मिलेंगे। नमस्कार।